3 जनवरी 2020 साल का शुरुआत में ही अमेरिका द्वारा ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया, जिसके वजह से दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों वहीं पे कासिम सुलेमानी का मौत का बदला अमेरिका को चुकाना पड़ेगा, ऐसा ईरान के तरफ से भी अमेरिका को धमकी दिया जा रहा है और हाल ही में ईरान द्वारा अमेरिका के ऊपर 12 ठिकानों के ऊपर हमला किया गया। दोस्तों इस सिचुएशन में जहां पे दुनिया में तनातनी फैल रहा है वहीं पे कुछ देशों द्वारा अमेरिका का पक्ष जबकि कुछ देशों द्वारा ईरान का पक्ष लिया जा रहा है। अब तक अमेरिका के पक्ष में खुल के इसराइल, ब्रिटेन, जर्मनी और यूएई जैसे देश आने के साथ साथ ईरान के तरफ इराक, सीरिया और रशिया जैसे देश आ चुका है। दोस्तों जहां पे इंडिया द्वारा अब तक न्यूट्रल रहने का ही काम किया गया और खुल के किसी के भी पक्ष में या खिलाफ में बयान नहीं दिया गया, वहीं पे माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इंडिया से बेस मांगा जा सकता है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं क्या सच में अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इंडिया से बेस मांगने का या फिर मदद मांगने का कोई संभावना है या नहीं। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में तनाव के बीच मंगलवार के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लंबे समय तक फोन पे वार्तालाप हुआ, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरफ से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बरकरार रखने के लिए इंडिया का भूमिका के बारे में बात उठाया गया। तो वही पे बहुत लोगों का आशंका ये है कि अमेरिका के तरफ से इंडिया से ईरान के खिलाफ मदद मांगने का बात अमेरिकी प्रेसिडेंट आने वाले समय में उठा सकते हैं। बात ये भी उठ रहा है कि कासिम सुलेमानी के मौत के बाद ईरान के तरफ से अमेरिका के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है इससे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज है, जबकि ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों अगर देखे तो यहाँ पे कौन सा पक्ष का दोष है, कौन सा पक्ष निर्दोष है, इसमें इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में फिर से कोई लड़ाई होता है तो इंडिया के लिए आने वाले समय में इकोनॉमिक सिचुएशन और काफी ज्यादा खराब हो सकता है। हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा एक बयान देते हुए बताया गया था कि करीबन 80 मिलियन इंडियन नागरिक मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में काम कर रहे हैं, जहां से कई बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस इंडिया को हासिल होता है। जबकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद जहां पे इंडिया द्वारा ईरान से ऑयल खरीदना बंद किया गया है, वहीं पे अगर यहां पे लड़ाई होता है तो इंडिया के पास सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों की तरफ से सप्लाई किए जाने वाला ऑयल का रास्ता भी बंद हो जाएगा। मतलब इंडिया अगर किसी का पक्ष ले तब भी और ना ले तब भी आने वाले सिचुएशन में अगर लड़ाई हुआ तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल आ सकता है। इंडिया न्यूट्रल रहना ही यहाँ पे ज्यादातर पसंद कर रहा है और अब तक खुल के किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। और अगर ऐसे सिचुएशन में अमेरिका के तरफ से इंडिया से बेस मांगा जाता है जिसका मदद से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने का मंसूबा बना रहा है तो ये इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 2016 में इंडिया और अमेरिका के बीच में लेमोआ मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को मिलिट्री बेसेस शेयर करता है। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में इंडिया एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को बेस शेयर करने पे पाबंद तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी जहाजों को और एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल, रीआर्म्ड और रिपेयर जैसे फैसिलिटी देने के लिए लेमोआ एग्रीमेंट के तहत इंडिया अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में साइन किया गया लेमोआ एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका के सैन्य और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ यही एग्रीमेंट दोनों देशों को क्लोज के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाता है। पर दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से भारत को लेमोआ एग्रीमेंट के तहत ईरान के खिलाफ सैन्य मदद और बेस देने का दबाव बनाया जा सकता है, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के तरफ से जहां पे साफ साफ अमेरिका को अपने देश का मिट्टी किसी और देश के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। दोस्तों अमेरिका का बेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों में ही है, जिसका बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, जबकि इराक में भी अमेरिका का बेस है जहां पे अमेरिका और ईरान का सामना सामनी लड़ाई चल रहा है। जबकि एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि अमेरिका के तरफ से लेमोआ का एग्रीमेंट के तहत भारत को मदद करने का बात उठाया जा सकता है। पर अगर ऐसा हुआ तो माना जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से ये भारत को परखने के लिए ही कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इस एरिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा ऐसा बहुत क्षेत्र है जहां पे अमेरिकी बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है और जहां से अमेरिका आसानी से ईरान के साथ किसी भी
झड़प को निपटा सकता है। दोस्तों लीमोआ एग्रीमेंट में ये भी साफ कर दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन लॉजिस्टिक सपोर्ट तक ही रहेगा और किसी भी सूरत में लीमोआ एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे का सैन्य मदद करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में ही अमेरिका का करीबन 65,000 ट्रूप्स ऑलरेडी डिप्लॉय है, जबकि ईरान के साथ सिचुएशन बिगड़ने पे अमेरिका द्वारा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, तुर्की और यूएई जैसे देशों का मदद से या उनके देश में स्थित बेसों के मदद से ईरान को पलटा जवाब अमेरिका दे सकता है। और एक्सपर्टों के मुताबिक अमेरिका को इंडिया के बेस का कोई जरूरत नहीं है और अगर अमेरिका के तरफ से लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत बेस मांगा जाता है या फिर मदद करने का बात को उठाया जाता है तो ये सिर्फ अमेरिका का एक ऐसा दाव होगा जिसके तहत अमेरिका इंडिया को परखने का कोशिश करेगा। अमेरिका का ऑलरेडी ईरान के नजदीक बहुत सारा बेस प्रेजेंट है, जिसमें खास करके ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर में, यूरोपियन रीजन और सेंट्रल एशियन रीजन में, जबकि इन अमेरिकी एलाई में से बहुत कंट्रियों का ये भी कहना है कि कोई भी लड़ाई के पक्ष में नहीं है और रीजन का शांति और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना ही उनका प्राथमिक मुद्दा है। जबकि मीडिया रिपोर्ट का ये भी कहना है कि हाल ही में सऊदी अरब के तरफ से भी खुलासा किया गया है कि हमले से पहले अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया था, जबकि बहरीन जहां पे अमेरिका का सेंट्रल नेवल कमांड स्थित है वो देश भी इस तरीके का लड़ाई से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका द्वारा भारत से बेस मांगने का कोशिश किया जाएगा और क्या भारत को अमेरिका के पक्ष लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबसे बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।